भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जयपुर शहर की टीम ने मंगलवार को कार्यवाही करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण के कनिष्ठ अभियंता दीपक योगी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महानिरीक्षक सचिन मित्तल ने बताया कि परिवादी ने एसीबी को शिकायत दी थी कि जेडीए जोन 12 में पदस्थापित जेएन दीपक योगी द्वारा उसके भूखंड की मौका रिपोर्ट और पट्टा जारी करने के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी है। इसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने डीएसपी के नेतृत्व में सत्यापन करवाया और आज जेएन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।